already I studied about yearly plan, unit plan, and one most important, what? Lesson plan, part yojana. Lesson plan is a blueprint of teaching. In other words, we can say it is a systematic, elastic approach. What is it? Lesson plan, it is a systematic, elastic approach to the development of scientific concept and skills. यहां पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने क्या कहा, लेसन प्लान इट इज अ सिस्टमेटिक इलास्टिक अप्रोच, क्रमबद्ध से लिखा हुआ रहता है, टू द डेवलपमेंट ऑफ, किस लिए, टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट एंड स्किल्स. कहने का तात्पर्य हुआ कि पाठ योजना में मुख्य रूप से वैज्ञानिक संप्रत्ययों और कौशलों को विकसित करने का एक क्रमबद्ध लचीला उपागम है. क्या कहा मैंने, पाठ योजना वैज्ञानिक संप्रत्ययों और कौशलों को विकसित करने का एक क्रमबद्ध लचीला उपागम है ना. उसके बाद हमने कहा है आपको कि लेसन प्लान इज अ टाइटल गिवन टू स्टेटमेंट्स. अभी स्टेटमेंट्स किसके बारे में, गिवन टू स्टेटमेंट्स ऑफ द अचीवमेंट, उपलब्धि का, ऑफ अचीवमेंट्स टू बी रियलाइज्ड एंड अ स्पेसिफिक मींस बाय विच. यहां पे हमने कहा कि पाठ्य योजना से अभिप्राय उपलब्धियों को प्राप्त करने का उन साधनों का वर्णन है. कौन सा, आगे देखते हैं. तो हमने क्या कहा कि लेसन प्लान इज अ टाइटल गिवन टू अ स्टेटमेंट ऑफ अचीवमेंट टू बी रियलाइज्ड एंड अ स्पेसिफिक मींस बाय विच दीज ऑब्जेक्टिव्स आर अटेंड. यह उद्देश्य प्राप्त कैसे होगा, दिस ऑब्जेक्टिव अटेंड एज द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एंगेजमेंट ड्यूरिंग द क्लासरूम. हमने कहा कि पाठ योजना से अभिप्राय, देखिए ध्यान से, पाठ योजना से तात्पर्य उपलब्धि को प्राप्त करने का उन साधनों का वर्णन है. ध्यान दीजिएगा, उन साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा उद्देश्यों को एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त
की जाती है। अब ये आपका जो मैंने कहा कि शिक्षण कला का जो एग्जाम होने वाली है या सीटेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि पाठ योजना में क्या प्राप्त किया जाता है, तो उपलब्धि, किसकी उपलब्धि, छात्र की उपलब्धि, करने का, उपलब्धियों को प्राप्त करने का उन साधनों का वर्णन है कि लेसन प्लान पाठ योजना में क्या वर्णन है कि जिनके द्वारा उद्देश्यों को या कहिए उपलब्धियों को, उपलब्धियों को एक निश्चित समय में, क्योंकि क्लास पीरियड का ड्यूरेशन 35 या 45 मिनट दिया हुआ रहता है, उसी में आपको उपलब्धियों को प्राप्त करना है। तो कहा गया कि उपलब्धियों को एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। तब इसको थोड़ा आगे हम देखें, हमने देखा पाठ योजना का अर्थ क्या है, कंसेप्ट क्या है, क्लियर हो गया होगा। तब थोड़ी सी हम लोग देख लें, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी लेसन प्लान एंड करेक्टरिस्टिक्स, विशेषता, पाठ योजना, पाठ योजना और उसकी विशेषता की बात करेंगे, या कह सकते हैं लाभ। तो अभी अभी हमने कहा कि पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों को प्राप्त करने का उन साधनों का वर्णन है। तो पाठ योजना से बनाने में सबसे पहले क्या होता है कि उपलब्धियों को प्राप्त करने में आसानी होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, उपलब्धियों को प्राप्त करना आसान होता है, ठीक। दूसरी, पाठ योजना क्या करता है, सुव्यवस्थित और संगठित रूप से एक शिक्षक को क्या करता है, दिशा देता है। हमने कहा पाठ योजना शिक्षक को सुव्यवस्थित पाठ योजना शिक्षक को संगठित बनाती है। अब आगे क्या है, पाठ योजना से बालकों में रुचि, इंटरेस्ट है ना। तो अभी हमने कहा कि पाठ योजना से क्या लाभ है, इसकी विशेषता क्या है, इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो पहला हमने कहा कि उपलब्धियों को प्राप्त करना आसान होता है, पाठ योजना शिक्षक को क्या करता है, संगठित बनाता है और सुव्यवस्थित, पाठ योजना से बालकों में रुचि उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद पूर्व ज्ञान से जोड़ने में मदद करती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाठ योजना बनाने से व्यक्तिगत भिन्नता का स्पष्ट रूप से पता चलता है। पाठ योजना को बनाने से व्यक्तिगत भिन्नता को आसानी से पता कर पाते हैं। पाठ योजना को बनाने से व्यक्तिगत भिन्नता को आसानी से पता कर पाते हैं। चलिए अब पाठ योजना से और कौन सी बातें होगी, ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया, बता रहे हैं हम आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ा रहे हैं, पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र जो पहले से पता चल रहा है कि पहले माउथ में हमने भोजन लिया, ओसोफेगस में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूं, ये क्या करती है पाठ योजना,
अमूर्त को मूर्त बनाने में मदद करती है। पाठ योजना क्या करती है? अमूर्त वस्तुओं या विचारों को मूर्त आकार प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद पाठ योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया होता है वो क्या होता है, रुचिकर और बोधगम्य बनती है। क्या कह सकते हैं हम लोग? सरल, सुगम, रुचिकर और बोधगम्य। बोधगम्य मतलब कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो पाती है। अंडरस्टैंडिंग, ये समझ भी कह सकते हैं, समझ कि पाठ योजना से जब वो बालक अबस्ट्रैक्ट होगी वो कंक्रीट रूप से वो समझ पाता है। फिर हमने क्या कहा कि पाठ योजना सरल, सुगम, रुचिकर और बोधगम्य बनाता है। अब एक और बात की बात हम दूसरे बात करेंगे कि ये क्या करता है कि पाठ योजना, हमने कल भी कहा होगा इसके कंसेप्ट में कि इट पुट्स द टीचर एट ट्रैक्स, ये ट्रैक्स पे टीचर को रखता है। दूसरी बात हमने कहा या बात करें हम कि पाठ योजना, ध्यान दीजिएगा, पाठ योजना से आत्मविश्वास बढ़ती है ना। क्या मैंने कहा, सबसे बढ़िया सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हमने देखा कि पाठ योजना का अर्थ परिभाषा हमने देखा, अभी मैंने क्या देखा, विशेषता। अब और आगे देखें हम, ये हमारा पाठ योजना, अब थोड़ी इसकी देखेंगे प्रीकॉशंस, सावधानी। पाठ योजना, तो अब पाठ योजना बनाते समय सावधानी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जो पाठ योजना बनाए वो पाठ वस्तु से क्या हो, सार्थक हो। पाठ योजना विषय वस्तु के प्रकरण से सार्थक कहने का मतलब कि उसमें जो हम उसका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, उसमें जो शिक्षण सामग्री हम बनाए वो उससे रिलेवेंट होना चाहिए। क्या कहा मैंने कि पाठ योजना का विषय वस्तु के प्रकरण से सार्थक। अब इसमें कौन कौन सारी बात है, हमने कहा कि शिक्षण विधि भी कह सकते हैं हम लोग इसको, शिक्षण विधि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, शिक्षण सामग्री, सामग्री ये क्या होना चाहिए, समुचित, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। किसके अनुसार, प्रकरण के अनुसार होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें और कह सकते हैं कि पाठ योजना विषय वस्तु के प्रकरण से सार्थक तो होनी चाहिए, लेकिन यहां पे शिक्षक को इस प्रकरण या विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आपकी असफल हो सकती है। क्या कहा गया, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में स्वामित्व कहने का मतलब क्या है, मास्टरी की बात कर रहे हैं यहां पे, मास्टरी या कह सकते हैं निपुणता, है ना। अब समझिए, तो हमने कहा कि पाठ योजना की विषय वस्तु के प्रकरण से सार्थक में इतनी बात होना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने कहा कि शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में क्या होना चाहिए, निपुणता होना चाहिए, नहीं तो वो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए कहा कि पाठ योजना बनाने से पहले ये आपको सावधानी बरतनी चाहिए।
और ये आपको शिक्षण कला में इससे ज्यादा सवाल पूछेगा, इसीलिए मैं इसको विस्तृत रूप से बता रहा हूं। अब ये पाठ योजना बनाते समय सबसे बड़ी जो बात है क्या होनी चाहिए, चलिए क्लू देते हैं हम आपको। पाठ योजना बनाते समय बालकों के रुचि योग्यता क्षमता को ध्यान में रखना है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि एक शब्द हम कहेंगे, शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्या कहा मैंने? शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक। अभी मनोविज्ञान का ज्ञान होने का आवश्यक मतलब हुआ कि आपको व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता। अब ये व्यक्तिगत भिन्नता कहने का मतलब क्या कि बालक के क्या कहें, बालक के रुचि योग्यता और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आयु का भी ध्यान होना चाहिए कि जिस आयु जैसे 2-3 क्लास का है तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। रुचि योग्यता आयु आवश्यकता, तो इसीलिए कहा गया एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब क्या कहेगा कि शिक्षक को मनोविज्ञान का जानकारी बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात यहां कहा गया कि शिक्षक को, क्योंकि जॉन डेवी सेड अ स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है कि आपको समाज का भी ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए आपको। तो कहा गया, देखिए ध्यान से, शिक्षक को सामाजिक और दार्शनिक, सामाजिक और दार्शनिक आधारों का, आधारों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि हमारी देश की स्थिति, राज्य की स्थिति कैसी चल रही है, उसका आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। तो उसके अनुसार पाठ योजना बनाना है। तो पहले हमने देखा था विशेषता, अभी हमने देखा सावधानी। इसके बड़ा था कि पाठ योजना के हमने देख लिया अर्थ, देख लिया विशेषता, देखा। और एक शिक्षक को बनाने से पहले कौन कौन सा मैंने अभी सावधानियां देखा, अब थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लेसन प्लान। क्या कहा मैंने? लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ लेसन प्लान। कहने का मतलब क्या है कि थोड़ी सी इसकी क्या है, खामियां कह सकते हैं, खामियां क्या है भाई? तो सबसे पहले बात यह होती है कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन का उल्लेख नहीं होता है, यह थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ी, क्या कहा मैंने, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब पाठ योजना बना रहे हैं हम तो वहां पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि जो आपने बनाया है उसके थोड़ा क्या कहें, आप विस्तृत भी जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर आप कह दें कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो पता चलेगा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, प्रकरण वो खत्म ही नहीं होता एक दिन में। तो यहां पर दोनों बात होती है, एक तो ट्रैक्स पे रखता है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या हो गया, अगर वो फ्लेक्सिबल लिख दिया जाता तो शिक्षक अपने आप को क्या करता है, फोर बॉल बाउंड्री के अंदर महसूस करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यहां से मुझे बातें निकल के आई, शिक्षक को जकड़ लेती है, जकड़ लेती है मतलब ये अपने आप को फोर वॉल बाउंड्री के अंदर पाता है, फोर वॉल बाउंड्री, समझ गया। अब दूसरी बात, मतलब मैंने निष्कर्ष में यही कहा
कि पाठ योजना शिक्षक को बांध देता है कि आपको इसी तरह से करना है। ये थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। तो अब हम देखें कि दूसरी बात यहां पे क्या होती है कि अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं हो तो यहां पे दिक्कत होती है। मतलब यहां पे हो गई कि प्रत्येक शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी ना होना। कहने का मतलब प्रशिक्षित की बात कर रहा हूं हम, प्रशिक्षित ट्रेंड टीचर की बात, ट्रेंड टीचर। तो इसीलिए कहा गया कि शिक्षक को प्रशिक्षित होना अति आवश्यक है। दूसरी बात कि पाठ योजना में जो शिक्षक विस्तृत रूप से बताना चाहता है, ध्यान से समझिए इसको, शिक्षक पाठ योजना में कभी अगर विस्तृत रूप से बताना चाहता है तो वो बता नहीं पाता है। तो इसलिए कहा गया कि पाठ योजना में ज्ञान का शोषण होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि पाठ योजना बनाने में कभी कभी साधारण वस्तुएं भी जटिल हो जाती है। साधारण प्रकरण अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जटिल हो जाता है। क्या कहा मैंने, साधारण प्रकरण क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। और एक बात और होता है कि समय भी थोड़ा ज्यादा लगता है, समय बनाने में ज्यादा लगता है। तो मैंने कहा लेकिन ये लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर देखा जाए, निष्कर्ष की बात किया जाए, कंक्लूजन की बात किया जाए, तो इस सारे इसको दरकिनार करते हुए देखा जाए तो पाठ योजना के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली होती है, अपने ट्रैक्स पे रहता है और पाठचर्या को समय पर समाप्त करने में सफल होता है। धन्यवाद।